मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदेश में कई जिलों में मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। बेटमा में भी पेट्रोल डीजल की कीमत को बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन किया। इसके तहत सागौर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर ब्लॉक कांग्रेस के नेताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज का विरोध प्रदर्शन कमलनाथ जी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस, बेटमा के नेतृत्व में, नगर कांग्रेस के नेतृत्व में और समस्त कांग्रेस जनों के नेतृत्व में ये प्रदर्शन रखा है। केंद्रीय गवर्नमेंट की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पेट्रोल कांग्रेस के टाइम पे 57 रुपये था, जो आज 104 रुपये हो गया। डीजल 45 रुपये था, जो 92 रुपये हो गया है। इस महंगाई के खिलाफ मीठा तेल 165 रुपये हो गया है, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? हाजी अब्दुल कलाम, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बेटमा। करते हैं आज गरीब किसान, गरीब लोगों को क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं, परेशान है। हर चीज की महंगाई आप तेल में देख लीजिए, लोहे में देख लीजिए, हर उद्योग में देख लीजिए क्या स्थिति है। तो आज हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम कांग्रेस जन पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और यदि पेट्रोल के दाम नहीं कम हुए तो हम इसके खिलाफ फिर अब चौराहे पर चौराहे चौराहे हम धरना देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।